भारतीय आईटी शेयरों में आज बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। एक दिन पहले 17 सितंबर को निफ्टी आईटी ने अपना नया हाई बनाया था, लेकिन आज 18 सितंबर को इस सेक्टर का एक भी शेयर हरे निशान में बंद नहीं हो पाया। आखिर इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या रही और इस गिरावट में क्या आईटी शेयरों से दूर रहना चाहिए या फिर इसे निवेश का मौका समझना चाहिए? आज हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे ताकि आईटी शेयरों के लिए आप अपनी सही रणनीति बना सके। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई आईटी शेयर है। आईटी इंडेक्स ने 17 सितंबर को अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। अगर हम आईटी शेयरों के रिटर्न को देखें तो जून 2024 के मुकाबले सितंबर तिमाही में अभी तक आईटी इंडेक्स का प्रॉफिट 30% ज्यादा है। ऑल टाइम हाई के बाद आईटी शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट की पहली वजह प्रॉफिट बुकिंग ही है। इन्वेस्टर्स इन शेयरों में अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये शेयर टूटे हैं। इसके अलावा आज रात को अमेरिका में फेड रिजर्व रेट कट पे अपना फैसला लेने वाला है। उससे पहले लॉन्ग सौदे अनवाइंडिंग होने से भी शेयरों में बिकवाली देखी गई। लेकिन इस गिरावट की सबसे अहम वजह है एक्सेंचर। एक्सेंचर ग्लोबल कंसल्टेंसी प्रोवाइडर कंपनी है। नैस्टेक में लिस्टेड एक्सेंचर के शेयरों में कल 5% की गिरावट आई थी। कंपनी के एक फैसले की वजह से उसके शेयरों पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा। कंपनी ने 2024 के लिए अपना बिजनेस आउटलुक का टारगेट घटाया है और कमजोर आउटलुक के कारण कंपनी ने अपने स्टाफ का एनुअल प्रमोशन भी अगले साल जून तक के लिए टाल दिया है। ये प्रमोशन पहले इसी साल दिसंबर में होने वाले थे। कंपनी ने ये भी कहा है कि ऐसा परमानेंटली कर दिया गया है, यानी कि अब एक्सेंचर में हर साल दिसंबर की जगह जून में ही प्रमोशन दिया जाएगा। एक्सेंचर की कमजोर आउटलुक की खबर मिलते ही अमेरिकी निवेशकों ने इस शेयर को तोड़ा और इसके असर से भारतीय स्टॉक भी नहीं बच पाए। इंडियन आईटी इंडेक्स में शामिल शेयर आज करीब 3% से ज्यादा टूटे हैं। एक्सेंचर के बारे में वैसे ब्रोकरेज फर्म सिटी की राय है कि ये दिक्कत सिर्फ कुछ समय के लिए ही है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल सही दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि निवेशकों को आईटी शेयरों को लेकर के क्या नजरिया रखना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्ट मितेश ठक्कर का कहना है कि इन्फोसिस के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसका सपोर्ट लेवल फिलहाल 1890 पे दिख रहा है। अगर इन्फोसिस अपने ये सपोर्ट तोड़ देती है तो 1840 पे गिरकर आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद इन्फोसिस के शेयरों में और 5-6% की गिरावट देखी जा सकती है। आज इन्फोसिस के शेयर 3% से ज्यादा टूटकर 1892.35 रुपए पे बंद हुए। ऐसे में अब सवाल ये है कि TCS और इन्फोसिस में किस शेयर को चुनना बेहतर है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी की माने तो फिलहाल इन्फोसिस के मुकाबले TCS के शेयर अच्छे दिख रहे हैं। मैक्वेरी के मुताबिक TCS के शेयरों में मौजूदा लेवल से करीब 27% की तेजी आने की उम्मीद है। उसने TCS के शेयरों को आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 5,740 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा है कि फिस्कल ईयर 2026 और 27 में उसे इन्फोसिस के मुकाबले TCS में ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखने की उम्मीद है। प्राइवेट कंपनियों के खर्च में बढ़ोतरी से TCS को ज्यादा फायदा मिलने का भी चांस है। खास तौर पर क्लाउड माइग्रेशन से जुड़े सौदों का फायदा इस कंपनी को होने वाला है। क्लाउड माइग्रेशन अब एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के साथ बंडल में भी आने लगा है। मैक्वेरी ने कहा है कि ट्रेंड को पकड़ने के लिए इन्फोसिस के मुकाबले TCS बेहतर स्थिति में है। इस बीच TCS के शेयर आज NSE पे 3.5% से ज्यादा टूटकर 4,347.90 रुपए पे बंद हुए। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 14% की तेजी आ चुकी है। हालांकि ये निफ्टी के मुकाबले कम है, क्योंकि इस साल अब तक निफ्टी 16% रिटर्न दे चुका है। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस के शेयरों में इस साल 22% की तेजी आ चुकी है। इन्फोसिस के शेयर आज NSE पे करीब 3% की गिरावट के साथ 1,892.35 रुपए पे बंद हुए। भारतीय आईटी कंपनियों को इस समय अमेरिकी कंपनियों की तरफ से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी कंपनियां अपना आईटी खर्च घटा रही है, जिसकी वजह से भारतीय आईटी कंपनियों को नए सौदे मिलने में दिक्कत हो रही है। कई कंपनियां अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कर रही हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को ज्यादा बेहतर बढ़ावा मिले और कॉर्पोरेट खर्च बढ़ाया जा सके। इसका फायदा फिर भारतीय आईटी कंपनियों को मिलेगा। यानी कि अगर आज रात फेड रिजर्व रेट कट करता है तो इससे कल आईटी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इससे पहले TCS के जून तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों से अच्छे रहे थे। इसके बाद कई ब्रोकरेज फर्म ने भी TCS की रेटिंग बढ़ाई थी और इसका टारगेट प्राइस भी काफी बढ़ा दिया था। दिग्गज आईटी कंपनी ने बताया था कि जून तिमाही में उसका रेवेन्यू 5% बढ़कर 62,613 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 59,381 करोड़ रुपए था। वहीं इसका नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 12,040 करोड़ रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 11,074 करोड़ रुपए था। यानी अगर आप आईटी शेयरों में कुछ ढूंढ रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें।
इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी की साइट पर जरूर आए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है।